बताइए। देखिए छात्र सभा जो संगठन है वो गैर राजनीतिक संगठन है पूर्णतः। छात्र सभा ने SMS मंगाकर आज से लगभग एक महीने पहले बस्तर विश्वविद्यालय, रविशंकर विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ के ऐसी तमाम विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच में एक सर्वे किया था, जिसमें छात्र सभा से जुड़े नेताओं ने यह सवाल किया था कि वो परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से चाहते हैं या ऑफलाइन माध्यम से। जो सर्वे रिपोर्ट हमें प्राप्त हुआ उसके माध्यम से 99% छात्र और छात्राओं ने वोटिंग किया और वो ऑनलाइन परीक्षा के पक्ष में, जिस पर विचार विमर्श करने के बाद में जनसभा जो मेन संगठन है उसके पदाधिकारी और छात्र सभा के पदाधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हम छात्र छात्राओं की मंशा के अनुरूप इस मांग को विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ रखेंगे। और हमने सभी यूनिवर्सिटी, रायपुर हो, जगदलपुर हो, सरगुजा हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, हमने ज्ञापन तैयार किया छात्र सभा के माध्यम से और वहाँ के कुलपति से निवेदन कि छात्र और छात्राएं जो है ऑनलाइन परीक्षा चाहते हैं, इस साल की जो वार्षिक परीक्षा है वो ऑनलाइन विधि से लिया जाए। परंतु समय बीत गया और कुलपतियों के द्वारा किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया और छात्र सभा के साथ कोई पत्राचार भी नहीं किया गया। इसी बीच आप सभी जानते हैं कि बस्तर में माननीय राज्यपाल महोदया जो है और जो विश्वविद्यालय की कुलाधिपति होती है वो यहाँ पर समारोह में आई थी। कुछ बीच भी हमारे छात्र संगठन से जुड़े लोगों ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, उन्हें संबोधित करते हुए कुलपतियों ने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हम आपसे अनुग्रह कर रहे हैं कि आप बच्चों की मांगों पर ध्यान रखिए और ऑनलाइन परीक्षा पर विचार विमर्श करिए। उसके बाद भी समय गुजर गया है, समस्त विश्वविद्यालयों ने, सबसे पहले दुर्ग के विश्वविद्यालय ने, फिर रायपुर विश्वविद्यालय ने और अभी कल ही बस्तर यूनिवर्सिटी ने भी, जो शहीद महेंद्रकर्मा के नाम से यूनिवर्सिटी नाम से जानी जाती है तत्काल में, उन्होंने भी अपनी समय सारणी घोषित कर दी और परीक्षा ऑफलाइन मोड से ही होगी, यह अपना निर्णय छात्र छात्राओं के सर पे थोप रही है। जबकि छात्र सभा जो हमारी संगठन है उनके उच्च पदाधिकारियों ने जब छात्र छात्राओं के बीच में बैठकर चर्चा किया तो सभी ये कहते हैं विद्यार्थी कि कक्षाएं इस साल तो ऑनलाइन भी नहीं लगी है, ऑफलाइन लगने की बात तो कोसों दूर है, लगातार महाविद्यालय बंद पड़े रहे हैं, शिक्षक और शिक्षिकाओं की ड्यूटी किसी अलग चीजों में लगी गई है। तो बस्तर में पढ़ने वाले जो आदिवासी छात्र छात्राएं हैं, जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, वो कॉलेज में जाते हैं तो उनको पढ़ाई नहीं हो पाई है। नए छात्र जो इस साल फर्स्ट ईयर में आए हैं, सेकंड ईयर के छात्र हैं जो पिछले साल कोरोना से पीड़ित रहे हैं, कहने का मतलब आप सभी जानते हैं कि यह वर्ष तीसरा वर्ष है लगातार कोरोना संक्रमण के जो कठिनाई है उसको लगातार झेल रही है। तो चाहे विद्यार्थी फाइनल ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, वो तीनों जो है परीक्षा किस विधि से होती है, परीक्षा किस विधि से दी जाती है, उसकी सामान्य प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ है। तो आज जो छात्र सभा संगठन है उसके नेतृत्व में हजारों की संख्या में बस्तर संभाग के अलग अलग कॉलेजों से छात्र छात्राएं यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज हम यूनिवर्सिटी प्रबंधन का घेराव करने जा रहे हैं। हमारी यही एक सूत्री मांग है कि ऑनलाइन परीक्षा पर विचार किया जाए, अभी भी जो आपने समय सारणी घोषित किया है समय रहते उस पर बदलाव करें और छात्र छात्राओं के हित में ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा दी जाए।